और वहीं राजधानी के प्रतापनगर से दो युवकों का अपहरण हुआ। दोनों युवकों को बलेरो में डालकर बदमाश लेकर फरार हो गए। कुछ देर पहले ही पुलिस को ये सूचना बरामद हुई। थाना प्रभारी संजय शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ सवाई माधोपुर रवाना हुए और बोले सवाई माधोपुर में बदमाशों की लोकेशन भी आ रही है। डीसीपीस्ट राहुल जैन पहुंचे हैं प्रतापनगर थाने में और डीसीपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यह घटना कुछ देर पहले हुई है। यह घटना की जानकारी पुलिस को कुछ देर पहले मिली है। राजधानी के प्रतापनगर से दो युवकों का अपहरण हुआ और अब उनकी हाल लोकेशन जहां बताई जा रही है वहां पुलिस पहुंचने में रवाना हो चुकी है। इन दोनों युवकों को बोलेरो में डालकर बदमाश फरार हो गए और कुछ देर पहले ही पुलिस को यह सूचना बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और साथ ही थाना प्रभारी संजय शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ सवाई माधोपुर रवाना हुए। सवाई माधोपुर उन सभी बदमाशों की गाड़ी की लोकेशन आ रही है। इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, राजधानी से दिन दहाड़े दो युवकों का अपहरण हो जाता है और जैसे कि पता चला है खबर अभी कुछ देर पहले की है, क्या कुछ पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? देखिए मैं ज्योति, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल देर शाम का मामला है जब यहाँ पर एक जिम चलती है प्रतापनगर थाना इलाके के अंदर। जिम के अंदर यहाँ पर जो दो युवक थे उनको यहाँ पर बोलेरो सवार जो कुछ बदमाश थे वो आए और उनको पटक करके यहाँ से डाल करके सीधे रवाना हो गए। सबसे बड़ी बात इस घटना के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, पूरी भनक नहीं थी, लेकिन जब उसके जो परिजन है जो की जो पीड़ित जो जिनका किडनैप हुआ है दोनों युवक, चूंकि वो बोली इलाके के रहने वाले हैं और वहां पर उनके जब परिवारजनों के पास फोन आया, उनका जो भाई है उसके पास फोन आया, उसके बाद यहाँ पर जो डीसीपी वेस्ट हैं, जो ईस्ट हैं, जो राहुल जैन और इसके अलावा संजय शर्मा हैं जो प्रतापनगर थाने के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने पूरे इस मामले को संज्ञान में लिया। उसके बाद यहाँ से जो किडनैप किए गए दोनों युवकों को बरामद करने के लिए यहाँ से जो टीम तुरंत यहाँ से फौरन रवाना हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों के पास अभी सूचना आई थी क्योंकि देर शाम का मामला था उसके बाद, लेकिन जो किडनैपर्स थे उन्होंने यहाँ पर 30 लाख रुपए की जो फिरौती है वो मांगी थी और उसके बाद यहाँ पर जो परिजन है उन्होंने यहाँ पर यादवेंद्र, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते इन दोनों युवकों का अपहरण हुआ और उसके बाद फिरौती की मांग हो रही है। बिल्कुल, ये इनका आपसी रंजिश का मामला और लेन देन का कुछ मामला बताया जा रहा है। फिलहाल ये सारी चीजें हैं जो जांच का विषय है कि किस मामले को इसके तहत यहाँ पर इनका किडनैप किया गया है, लेकिन ये निश्चित है कि दिन दहाड़े एक युवक का किडनैप हो जाता है, उसके बाद फिरौती मांगी जाती है 30 लाख रुपए की। उसके बाद पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस पूरे प्रतापनगर थाना इलाके के अंदर हड़कंप मच गया है और उसके बाद लेकिन पुलिस ने भी यहाँ पर तुरंत गति से कार्रवाई की है, चूंकि जो बदमाशों की जो लोकेशन है वो बोली जो इलाका है वहां पर बताई जा रही है। तो उसके बाद यहाँ से जो संजय शर्मा है जो थाना अधिकारी है वो मौके पर से मैच जाप्ते के साथ यहाँ से रवाना हो गए और वो मौके पर पहुंचकर बदमाशों की जो धरपकड़ है उनकी तलाश के लिए यहाँ पर उन्होंने अलग अलग टीमें यहाँ पर दौड़ा दी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारे डीसीपी जो ईस्ट है राहुल जैन उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा है कि जो बदमाश है कुछ देर बात है जो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि उनकी लोकेशन मिल गई है, पूरा पता चल गया है, उसके बाद उनको धर पकड़ने के लिए यहाँ पर जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ देर बाद सभी बदमाशों को यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद उनको जयपुर लाया जाएगा। लेकिन युवकों का अपहरण होना और अपने आप में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगना अपने आप में एक बड़ा सनसनीखेज मामला है और जिस तरह से पूरी वारदात हुई है और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की और उसके बाद यहाँ से सीधे जो रवाना हुई है, तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बदमाश है वो पुलिस की गिरफ्त में यहाँ पर कुछ समय बाद होंगे। बिल्कुल ज्योति जी, यादवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि दिन दहाड़े युवकों का अपहरण हो जाना, यानी कि इस बात में कोई संशय नहीं कि राजधानी इन दिनों क्राइम का अड्डा बन चुका है, एक के बाद एक रोज नई घटनाएं सामने आती है। लेकिन शुक्र यह है कि डीसीपी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसे कि आपने अभी बताया कि सवाई माधोपुर हाल लोकेशन बताई जा रही है सभी बदमाशों की, आप लगातार हमें इस खबर पर अपडेट करते रहे यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से बता दूं कि कुछ ही देर पहले पुलिस को यह जानकारी हासिल हुई है कि दो युवकों का देर शाम चलते अपहरण हो गया और साथ ही पुलिस ने कहा है कि आपसी रंजिश के चलते इन दोनों युवकों का अपहरण हुआ है और इसी के चलते 30 लाख रुपए की ये बदमाश फिरौती मांग रहे हैं परिजनों से।